आज का हमारा टॉपिक उन महिलाओं के लिए बहुत खास है जो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन से काफ़ी परेशान है। अगर ये टर्म आपने पहली बार सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब महिलाओं में पीरियड शुरू होने वाला होता है, यानी कि उसके 2 या 3 दिन पहले से जो हेडेक शुरू होता है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, जो कि पीरियड्स खत्म होने तक चलता है। हालांकि हर महिला के बॉडी टाइप के हिसाब से ये बदल भी सकता है, लेकिन जब ये होता है नौजिया, फटीग, आलस और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ और घर कर लेती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जिनको माइग्रेन का दर्द होता है वो समझ सकते हैं कि माइग्रेन का जब दर्द होता है ऐसा लगता है कि 10 हथौड़े एक साथ सिर में चल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल हैमर वाली फील आती है। लेकिन जिनको माइग्रेन का दर्द नहीं है उनको बता दें कि एक ऐसा दर्द होता है जो कि बहुत जानलेवा भी हो सकता है। कई बार ये सर के एक साइड भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। अगर डॉक्टर्स की रिसर्च की माने तो 70% महिलाएं इस हार्मोनल माइग्रेन से ज़्यादा परेशान रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक तो पुरुषों के मुकाबले ये महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है और उसमें से भी वो प्रतिशत ज़्यादा है जहाँ की मेंस्ट्रुअल माइग्रेन नॉर्मल माइग्रेन से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब महिलाओं में ये ज़्यादा होता क्यों है? क्योंकि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दर्द से गुजरना होता है और पीरियड्स के समय एस्ट्रोजन लेवल सबसे न्यूनतम स्तर पे होता है, और जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल गिरता है आप ये समझ लीजिए कि माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए महिलाएं इससे ज़्यादा परेशान भी होती हैं और आम तौर पर ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। नॉर्मल माइग्रेन जो होता है वो हमारे लाइफस्टाइल में जब ख़राब चेंजेस हम करते हैं उसकी वजह से हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अगर आपने खाना बार बार अपना मिस किया है, कैफीन का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, ठीक से नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है और हमेशा स्ट्रेस आपका बढ़ा रहता है, तो नॉर्मल माइग्रेन होता है। पीरियड्स के दर्द के साथ साथ जब मेंस्ट्रुअल माइग्रेन का दर्द भी उसमें शामिल हो जाए तो दर्द 10 गुना बढ़ जाता है, यानी कि परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दवाइयां आप खाती हैं, इंजेक्शंस भी आप लेती हैं, डॉक्टर की सलाह भी आप मानती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें तो हो सकता है आपको बहुत नहीं तो थोड़ा सा आराम तो ज़रूर मिल सकता है। जैसे आपको अपना कोई भी मील बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको डार्क रूम में रहना अच्छा लगता है क्योंकि लाइट्स आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डार्क कूल प्लेस पर थोड़ी देर के लिए आप रह सकती हैं। और हाँ, अपने दिमाग को कहीं और भी आप भटका सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब सोचते रहते हैं मुझे दर्द हो रहा है तो वो दर्द कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। कैफीन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है क्योंकि वो दर्द को ट्रिगर कर सकता है कहीं ना कहीं। डाइट को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है कि आपके सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें। और हाँ, बहुत ज़्यादा सोना नहीं है, नींद आएगी, लेकिन आपको अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल मेंटेन करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हो सकता है कि आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए।